अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान शहर के दरोगारा डिग्री कॉलेज में बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सिवान के राजद विधायक और बिहारी चौधरी के द्वारा कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरूल हक साहब की 155वीं जयंती समारोह पर विचार गोष्ठी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जयंती समारोह में मौजूद बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सिवान के राजद विधायक औद बिहारी चौधरी, राजद नेत्री लीलावती गिरी, राजद नेत्री कृष्णा देवी, राजद जिलाध्यक्ष परमात्मा राम के साथ सिवान के सभी वर्ग के लोग मौलाना मजरूल हक साहब के जयंती समारोह में हजारों की संख्या में लोग दरोगारा डिग्री कॉलेज परिसर में मौजूद रहे। ATN लाइव के लिए सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट। मैं आप सबको नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौलाना साहेब की जयंती एक प्रतीक के रूप में है और इनकी बताए हुए राहों पर चलना ही हमारी आज की जयंती की सफलता है। कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान अपने कर्मों से ही महापुरुष बनता है। ये इन लोगों ने अपने समय में ऐसे कर्म किए जिससे ये आज भी पूजे जाते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज की इस जयंती को सफल बनाना है। श्रीमती कृष्णा देवी आज के इस मजूर जयंती के संस्थापक और कविता मंत्री जो विधायक जी सपने को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ जयंती मनाने से ही किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। इन्होंने जो त्याग दिए हैं उस त्याग को अपना कर ही हम लोग इनके सपने को पूरा कर सकते हैं। मौलाना साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और उस प्रतीक को निभाना एक दूसरे से गले मिलकर रहे। प्रत्येक वर्ष मौलाना साहब की जयंती मनाई जाती रही है, इस वर्ष भी मनाई जा रही है और आगे भी मनाई जाती रहेगी। हमारे मंत्री जी जब तक है तब तक मनाई जाती रहेगी। मौलाना साहब के शुभचिंतक आज भी लोग हैं लेकिन उनके पर चीजों पर चलने वाले लोग आज भी। इस समारोह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? डॉक्टर निशा राय, प्रसाद राय से गुजारिश है कि वहाँ और इसके पहले करने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी कौमी एकता के प्रति महान निर्माण और इस प्रेमी मौलाना मजीद साहब की जयंती मनाई जाती है। आज भी वही कार्यक्रम हो रहा है और उसमें बहुत सारे इलाहाबाद से हमारे बीच
और बहुत सारे शायर कभी आए हुए हैं। जनाब शैलेंद्र मधुर पधारे हैं हिंदी गीतों के बड़े कवि, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और स्टेज पर लगे जब उनके व्यवस्था में लगे हुए लोगों से ये गुजारिश है कि वो लोग अपने जीवन में हम लोग उतारने का संकल्प लें और आने वाले ये हम सब लोग एक जो दरवाजे पर भीड़ सी लगी हुई है उसको जरा कम करें, सेवा करें और शांति सद्भावना कायम रखें। भाई मेरा जनीन कृष्णा आज फैलाने वाले समाज तोड़क है, से गुजारिश है कि वहाँ रहे और स्टेज पर जगह दें और उन्हें भी कहें कि आप हमारे कुछ स्थानीय कवि हैं जिनको मंच पर जगह नहीं मिलती है वो सामने भी बैठ सकते हैं। आप भी आइए मिलजुल करके हम जब मैं स्वयं यहाँ खड़ा होकर के आप लोगों का इस्तकबाल कर रहा हूँ बनावे और देश के तो चाहे जहाँ भी कोई बैठे तरक्की हो उसमें हम लोग सहभागी। मुझे हमारे अवसर पर क्या क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आए हुए मैं सभी बंधुओं से साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि दूसरे सीटिंग का कार्यक्रम कवि सम्मेलन मुशायरा शुरू होने जा रहा है और आप मौलाना मलूक हक साहब के जयंती के अवसर पर यहां आए हुए हैं। बाहर से कवि और शायर भी पहुंचे हुए हैं। में जितने हमारे उपस्थित लोग हैं, सहयोगी हैं, मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं पुनः कि आप इस हॉल में आ जाइए। धरना आप कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन आप हॉल में निश्चित फील्ड से निकल करके इस हॉल में आने की कृपा करें। उनको मैं कहना चाहता हूँ आग्रह से कि आप सभागार में निश्चित फील्ड से निकल जाइए, आ जाइए सभागार में और खूब सुनिए अच्छे अच्छे कवि अच्छे अच्छे शायर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आप आ जाइए हॉल में आ जाइए। पिछड़े वर्ग का नाम है, 10,000 दलितों का नाम है इंडिया गेट पर और यहाँ 8,000 सिखों का नाम है, लेकिन सवर्ण का 698 अध्यक्षता मुसलमान को देश का गद्दार कैसे बना रहे हैं। जयंती समारोह के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे सिवान के लोग। जयंती समारोह के अवसर पर मैं यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले हम लोग भारतीय देश के बड़े कवि और शायर मंच पर स्वतंत्रता बंधुता कैसे बरकरार रहेगी, संविधान कैसे आदरणीय और प्यारे चौधरी जी को एकजुट होकर के की कोशिशों का ये नतीजा करना चाहिए और विरोधी ताकतों को शिकस्त देना चाहिए। मित्रों मैं ही पैगाम देना चाहता हूँ, नहीं तो आगे आने वाली पूरी हम लोग तकदीर को चूकेगी कि हमारे पूर्वज देश के लिए सिर्फ आपसे दो चार मिनट राष्ट्र वक्त लेना चाहता हूं। राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो पार्टी और व्यक्ति से ऊंचा होती है। आप जानते हैं बचाव की बहुत जरूरी है कि आज से 10-15 वर्ष पूर्व अपना परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव आदरणीय और प्यारी चौधरी जी ने अंग्रेजी का विभागाध्यक्ष एक प्रयास किया समारोह का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। तुम शैलेंद्र जी जहाँ से भी हो ऑनेस्ट आदमी और ईमानदार आदमी के जयंती मनाया जाता है भविष्य में। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ अच्छा आदमी के लिए कि आज ये इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की विचारधारा रखते हैं, विचारधारा हारू शैलेंद्र जी करें किसान को आगे बढ़ा देता है। विचार जिसका गंगा होता है वो नरक का बासी हो जाते हैं और करा देते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजू चौधरी। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9 8
2170979।